गणपतये नमः ॐ मन्मते नमः ॐ राम रामाय नमः ॐ मातेश्वर्ये नमो नमः। मेरे सारे प्यारे मित्र, आप सबको नमन। आप लोग ये एक प्रश्न भेजे हैं अदानी साहब, इनका ऐसा परिस्थिति होने के पीछे क्या रहस्य है, ग्रह क्या बोल रहे हैं, ज्योतिष के आधार पर, एस्ट्रोलॉजी के आधार पर हमारा क्या मत है। पता नहीं इतने सारे व्हाट्सएप आ गए और आप लोग मुझे पूछे हैं। मैं नेशनल पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल संगठन के साथ संपर्कित लोगों का कुछ भी ना अपने चैनल पे छोड़ना चाहता हूं, लेकिन हमारे ओडिशा में घटा तो आप लोग बहुत सारे पूछने लगे, ओडिशा का क्या ऐसा ऐसा स्थिति हो गया, शनि कुंभ में आए और आपका बहुत बड़ा नेता निधन हो गए। मैं ऑलरेडी सूर्य गोचर मकर राशि में ये बोल दिया था, लेकिन बाकी मीडिया और सभी लोग बोले शनि साढ़े साथी। ठीक है, अपना मत है, मत देने में तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, इसमें लोग बोल सकते हैं, बोलेंगे ही, लेकिन ये निर्धारित करना अपने लेवल पे बहुत सही नहीं होता है जब तक आप एक सही कुंडली नहीं देखते हो। और ऊपर से ही नेट में जो भी आपके जो कुंडली मिलते हैं, ये कुंडली बहुत सही नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, इसके पीछे रहस्य है। देखिए, जिनके पास कुंडली में राजयोग होगा वो बड़े बड़ा नेता बनता है, बड़ा अमीर आदमी बनता है, ज्ञानी भी होते हैं, मूर्ख लोग इतना जल्दी नहीं बनते। और ज्ञानी आदमी कभी भी अपना जिंदगी का बागडोर डिस्क्लोज नहीं करता। हमारे ज्योतिष विज्ञान में बताया जाता है कि अपने जातक नाम माने जो जन्म कुंडली का नाम है, वो कभी किसी को नहीं बोलना चाहिए, सीक्रेट रखना चाहिए। अष्टम हाउस का खेल है तो आप डिस्क्लोज करोगे वो नाम तो आपके लिए हानि हो सकता है। अगर वो जातक का नाम किसी को मिल जाए, आपका नाम गोत्र, तो बहुत भयंकर हानि कर सकता है आपका शत्रु के हाथ में अगर वो मिल जाए तो, या आपका कुंडली किसी ऐसे शत्रु के हाथ में मिल जाए तो व्हाट नॉट कर सकता है, ऐसा बैंड बजाएगा हिसाब नहीं मिलेगा, आपका हिसाब से बाहर बात चला जाता है। तो उस कंडीशन पे कोई बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति अपना कुंडली नेट में दे दे, ये मुझे समझ में बाहर है। अपना राइट टाइम ऑफ बार्थ, डेट ऑफ बार्थ कोई ज्ञानी आदमी, हाँ ज्ञानी है अगर दे दिया, चलो कैसे डिस्क्लोज हो गया वो अलग बात है, पर ऐसे लोग जनरली देते नहीं है। जिसके कुंडली में अगर चंद्र गुरु एक जगह में बैठे हों, जितना भी मैं देखा हूं ऐसे, या गजकेसरी योग, हंस योग, स्वगृही गुरु, उच्च का गुरु, कितना भी भद्दा भकुआ मूर्ख दिखाई देते हैं, लेकिन ज्ञान उनके अंदर पूर्व जन्म से ही लेके आते रहते हैं, नैसर्गिक रूप में उनके अंदर ज्ञान रहता है, ये लोग ऐसा करेंगे नहीं। लेकिन जो भी कुंडली नेट में मिला और बेसिक मेरे पास जो भी आप लोग इन्फॉर्मेशन भेजे हो, बड़ा सारा व्हाट्सएप है, उसमें से मुझे जो ठीक लगा, उस कुंडली को अगर आधार बनाता भी हूं तो इतना अच्छे राजयोग वाले व्यक्ति ये छोटे मोटे इन लोगों को कोई खास साढ़े साथी हार्म करेगा, ऐसा नहीं होता मेरा दृष्टिकोण। अगर आप ये कहते हो कि शनि का साढ़े साथी हुआ और उसको ऐसा हो गया, वो रोड पे आ गए, शनि बाबा दंड दे दिए, शनि बाबा का काम धंधा नहीं है और वही अंबानी और वो अपने क्या नाम है जो ओडिशा में मर गए, उन्हीं के पीछे पड़े हैं, नहीं ऐसा कदाचित नहीं। और ऐसा बोल देना किसी एक तरफा शनि बाबा को दोष दे देना कि शनि बाबा के चलते दंड मिल गया और इतना बड़ा आदमी रोड का मतलब करोड़पति आदमी रोडपति हो गया, नहीं ऐसा नहीं है और मैं नहीं मानता, हो सकता है आप लोग मानो। हाँ ये जरूर है कि कुंभ में शनि आने के बाद बहुत सारे इम्पैक्ट आने चाहिए, वो तो दिख रहे हैं। जैसे जैसे मैं भी फलित किया और बाकी ज्योतिष लोग फोन की फलित किए थे,
ऐसा घट रहा है। ये खुशी का बात है कि हम ज्योतिष, जितने भी मेरे ज्योतिष भाई बंधु हैं, मित्र हैं, गुरुतुल्य हैं, बुजुर्ग हैं, बूढ़े बूढ़े बाल पका दिए ज्योतिष के, यूट्यूब में यूट्यूबर बनते बनते, कोई तो इधर काला करके बीच में सफेद वाला भी बाबा महाराज भी महाराज है, उनके चरण के धूल बराबर हम लोग नहीं है, हम लोग तो ऐसे ही है ना। तो हाँ, ये अलग बात है कि हम लोग साइंटिफिक लेवल पे बात करते हैं, सर्किट करंट एनर्जी ऐसे बात करते हैं, वो लोग अपना राहु केतु दिखाते रहते हैं, कोई बुरे नहीं है, सब नमस्य हैं, पूज्य हैं, सब सभी महानुभावों को जैसे जैसे बोले थे सबका, बहुत सारा बात तो कमन लगता है तो हो रहा है, ये उसका इम्पैक्ट है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन हमारे अदानी साहब अब तक कहीं क्लियर नहीं है कि वेदर कुंभ राशि के हैं या मीन राशि के हैं, और अगर मीन राशि के हैं तो स्टार्टिंग 7.5 फेज में ऐसा नहीं होता है। अभी मेरे पास जितने मीन राशि के आंकड़ा है, उस आंकड़े के तहत तो मीन राशि वालों को पैसा मिल रहा है, 2-3 मीन राशि वालों को पैसा आ चुका है, उसका भी योग है, उच्च का शुक्र होने जा रहे हैं तो आ रहा है, कई सारे मीन राशि वालों का मेरे पास रिपोर्ट है कि पैसा आ रहा है, जाएगा कहां। ठीक है, अगर कुंभ को फलित करते हैं तो ये, अगर इनके ये कुंडली अगर उनका सच है, जो कुंभ राशि में गुरु के साथ सबसे पहला ऐसा जो कुंभ के लोग होते हैं, कुंभ में जिनका गुरु है राजयोग कृत, सही डिग्री, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं पता तो जो भी है अंदाजन डिग्री कहा जाएगा, इस समय ये लोग जब 12-13 साल में एक बार गुरु कुंभ में आते हैं तो उस समय कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला माने ये समय होता है जब विश्व में महाअमृत का वृष्टि होता है, इसलिए अमृत कुंभ का स्नान सभी ऋषि मुनि संत तपस्वी यति ब्राह्मण लोग सामान्य लोग नेता सब प्रयागराज में पहुंच के स्नान करते हैं, और उस समय चारों तरफ गुरु बृहस्पति और कुंभ का जो संयोग होता है अमृत वृष्टि होता है, और मेरे गुरु महाराज के अनुसार इस समय दिव्य आत्माएं और चेतनाएं आते हैं धरती में, तो दिव्य चेतना है ये महात्मा हमारे अदानी साहब, और क्योंकि अगर अगर ये कुंडली मैं जितना जानता हूं तो गुरु चंद्रमा यति है, तो ज्ञान और मन माता और महान और केंद्र के ऊपर लग्न के ऊपर, तो इतना जल्दी ये लोग गलती नहीं करते, इतना जल्दी ये लोग बुरा काम नहीं करते अगर कुंडली सही है तो। मैं देखा नहीं, गया नहीं, बस मेरे पास जितना डाटा आप लोग भेजे हो मेरे को उसी के आधार पर कह रहा हूं। पंचम चंद्रमा अगर आप लोग जो डाटा भेजे हो उसमें मेरे को व्हाट्सएप में जो लोग भेजे हैं उनके आधार पर है, तो नेचुरली ये नवम पंचम राजयोग बना, आत्मा के स्थान पे आत्मा, तो विवेक विवेकवान पुरुष होते हैं ये लोग, प्रचंड विवेक रहता है तो इनसे भी गलती नहीं होती। अब ये बोलेंगे कि 25वां नक्षत्र में चंद्रमा शनि का गोचर और इनको हानि कर दिया, इनको क्या हानि करना बताओ, चंद्रमा से द्वादश में अगर इसका आप लोग जो कुंडली मेरे को नेट से निकाल के भेजे हो इसके तहत अगर शनि चंद्रमा से द्वादश है तो जन्म ही 7.5 का, और ऐसा व्यक्ति अगर चंद्र बात करते हैं कुंभ राशि का चंद्रमा तो 3 नक्षत्र मिलेगा, सतभिषा मिलेगा, धनिष्ठा सतभिषा और पूर्व भाग गुरु का नक्षत्र मिलेगा, राहु का मिलेगा और धनिष्ठा का, तो राहु का नक्षत्र जहां भी आप देखोगे आद्रा स्वाति और सतभिषा तीनों नक्षत्र का एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहता है, मंगल ये तो समाज सेवक बनता है, ये जो धनिष्ठा नक्षत्र है तो ये हालांकि अंदर जरूर डायमंड्स का एनर्जी रहता है लेकिन धर्म लेके चलता है, बाकी रह गया पूर्व भाद्रपद गुरु का नक्षत्र, ये तो और ज्यादा शुभता लिए हुए, तो नक्षत्र पद गलत नहीं हुआ, युति गलत नहीं हुए, और ऐसे लोगों का शनि बाबा क्या करेंगे जो जन्म से ही बेचारा 7.5 का जन्म हुआ है, लोहपात का जन्म हो गया, तो इनको 7.5 का इंपैक्ट ज्यादातर मैं देखा हूं नहीं होता है, और अगर होता है तो भी इनको कहीं ना कहीं से जन्मदा चंद्रमा, देखो क्या है इसको पहले थोड़ा सा क्लियर हो जाना, मैं जब राशिफल बोलता हूं तो एनर्जी प्लस माइनस करके बोलता हूं, और जो
कुछ लोगों को हजम होता है तो देखते हैं, जिनको हजम नहीं होता है फिर क्विट करके भाग जाते हैं। आप हर दिन चंद्रमा को ऊपर बाहर जाके देखो, जो लोग मेरे जैसे थोड़ा सा साइंटिफिक आदमी होते हैं, मैं मतलब टेक्निकल विषय को मानते हैं, चंद्रमा को निरीक्षण करना, ऐसा करके देखना, जिस समय मंगल के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, यानी अभी वृष में वृष चंद्रमा देखो, या वृष का एक घर आगे एक घर पीछे में देख लो, तो रेड चंद्रमा मिलेगा। ऐसे राहु के साथ जब चंद्रमा रहेगा, देखना थोड़ा सा ब्लैकिश चंद्रमा रहेगा। ऐसे ही जब चंद्रमा को आप देखते हो केतु के आसपास, तो लाइट रेडिश और कुछ एक भिन्न प्रकार का कलर आएगा। चंद्रमा से देख के सभी, अभी चंद्रमा किस ग्रह के साथ है, शनि के साथ देखना, थोड़ा डार्किस्ट चंद्रमा रहेगा। पूर्णमी भी हो जाए ना, अगर शनि के पास रह के पूर्ण चंद्रमा हो जाए सूर्य से, ये आपको दिखाई देगा जून जुलाई में, इस प्रकार का चंद्रमा दिखाई देगा। फुल मून रहेगा तो भी ये यू नो ब्लैकिश टाइप, डार्क इन कलर टाइप रहेगा। तो ये अपने अपने चंद्रमाओं का अलग अलग स्वभाव के अनुसार बनता है। पंचम से चंद्रमा से पंचम सूर्य तो बलि तो हो गया चंद्रमा, और ऐसा बलि चंद्रमा शनि के शनि द्वादश, और इसमें नैसर्गिक रूप में इस एनर्जी को ये ऑटोमेटिक कंट्रोल करना जीवन का एक अंश हो चुका होगा। अगर ये आदमी ऊपर उठा है और नीचे गिरा है, तो उसके लिए कुछ दुर्योग चाहिए ना, तभी तो गिराएगा इसको कोई इस प्रकार का दुर्योग। अगर इस कुंडली का स्टेटस को मैं देखता हूं, चंद्रमा से द्वादश में शनिदेव, द्वादश चंद्रमा स्वग्रही, अच्छा उसमें गुरु और चंद्रमा तीन ग्रह हो गए, चतुर्थ में मंगल, पंचम में अगर कुंभ का बनता है तो पंचम में बुध, हाँ एक दो तीन चार, हाँ पंचम में सूर्य, छठा में राहु और शुक्र। ये राहु और शुक्र को अगर फलित करते हैं तो यहां ये भी कोई बहुत बुरा इंपैक्ट नहीं बना। हाँ शुक्र राहु ये कभी कभार अगर गलत प्लेसमेंट हो जाए तो आदमी को नीचे ला सकते हैं, लेकिन इतना लेवल पे नहीं है क्योंकि कारक बन रहा है, तो कोई दुर्योग दिख नहीं रहा है यहां। तो ले दे के अभी आप सीधा सीधा दोष दे दोगे, साढ़े साथी के कारण ऐसा हुआ, शनि बाबा गिरा दिए, किसको राजा बना दिए, किसको रंग बना दिए, ऐसा फलित कर देना बड़ा सहज बात है, इजी मेथड है ये। क्या करें, बोलना है यूट्यूब में हम व्यू भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, फेमस भी होना है, तो बैठे हैं खाली पीली तो बनाओ वीडियो, साढ़े साथी शनि बाबा ठोक दिए, साढ़े साथी शनि बाबा गोली मार के मरवा दिए। ऐसा केवल साढ़े साथी से अगर हो जाता तो मैं यहां पीएचडी होल्डर इन साढ़े साथी सुपर एक्सपर्ट बैठा हूं। साढ़े साथी के साथ खाली साढ़े साथी अगर बिगड़ा था तो सबका बिगड़ा देता। मैं बहुत लोगों को देखा हूं, अच्छे अच्छे लोगों को साढ़े साथी बोल के उनको नहीं पता कि साढ़े साथी भी चल रहा है। तो सबसे पहला देखना पड़ता है कि इसके इंटरनल एनर्जी इनका क्या है, क्या महादशा अंतरदशा है, और वो कितना यहां सपोर्टिव है। तीसरा बात ये बताऊं कि आप लोग जो लोग पैनिक हो रहे हो कि अरे यार डूब गया, रास्ते पे आ गया, ऐसा हो गया, हम लोग अगर जो लोग शेयर वगैरह कुछ धंधा कर रहे हैं उनके साथ वो लोग ज्यादा चिंतित, इसीलिए आप लोग बता दो क्या होगा क्या नहीं, कुछ नहीं होगा, देख लेना इनके पास इतना, ये जो भी गवाहे भी हों, मैं जितना थोड़ा बहुत मेरे पास इंफॉर्मेशन है जिसके तहत ये कह रहे हैं कि मेरे पास उतना संपत्ति है कि जितना आप लोग दिए उसका तीन गुना है, अगर बैंक करप्ट हो भी गया तो रिकवरी हो जाएगा, टेंशन मत लो, इतना बड़ा एश्योरेंस देने वाला व्यक्ति, ठीक है ना। ये बाहर बाहर से जो भी न्यूज और ये सारे, नहीं मैं न्यूज चैनल को गाली थोड़ी दे रहा हूं, ठीक है वो अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, हमारे गणतंत्र का स्तंभ है, तो उनके पास जितना ज्ञान बुद्धि है वो कर रहे हैं, और जो क्या क्या सब वो, उनको भी ऊपर उठना है, आगे बढ़ना है, तो मसाला वसाला लगाएंगे। तो इसमें आज का डेट में ये कोई प्रॉब्लमेबल विषय नहीं है, सबको पता है कि ये लोग मसाला लगा के टीआरपी लूटते हैं,
तो जब भी ऐसे न्यूज आता है तो सब कोई मसाला हटाते हैं धो धा के। जैसे संत लोग ऋषिकेश में, मैं जब साधना करता था, पढ़ाई करता था मेरे गुरु आश्रम में, तो भिक्षा आने में जो कहीं जाते हैं तो मसाला वाला, तो गुरुजी बोलते थे गंगा जी में धो दो, सारा मसाला निकालो और खाओ, ठीक है, राजसिकता बढ़ेगा, तो गंगा जी में धो के खा लेते थे। तो आज का सबको पता है कि मसाला जितना न्यूज में चल रहा है, मसाला धो के न्यूज को समझो, लेकिन आप मसाला के साथ समझोगे तो एंटरटेनमेंट मिलेगा, न्यूज नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये ऐसे महान व्यक्तियों का, ऐसे अगर ये कुंडली सच है तो, और अगर ये 7.5 का हिट इम्पैक्ट है भी तो भी ऐसे कंडीशन पे मैं कहता हूं रिकवरी कर जाएंगे। और शेयर धंधा है, कभी नीचे कभी ऊपर चलते रहता है। और अगर इसको, मेरा विचार नहीं है, मैं केवल ग्रहों का स्थिति के अनुसार अगर आपको कहूं तो चलिए ऐसा है कि ये जो भी बातचीत हैं इसमें इंटरनेशनल जो बहुत बड़ा ऐसा एक संगठन लोग हैं, आप सबको मैक्सिमम जो लोग जानते हो किसको नीचा करना किसको ऊंचा करना, शेयर बिजनेस में क्या होता है, कैसे किसके हाथ में कंट्रोल है, ये सारा बड़ा बड़ा रहस्य सब है, कौन संगठन है, इसके पीछे किसको ये रहता है, मैं इन सब लिटिगेशनल सब्जेक्ट पे उंगली नहीं करता। मेरा सीधा सीधा पॉलिसी है कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं तो एस्ट्रोलॉजी में ही फोकस करूंगा, और मुझे राजनीति क्षेत्र में टिक्का टिप्पणी करना और इस प्रकार किसी बड़े संगठन के विरुद्ध में बोलना, ये उम्र था, जब था तो था, उस समय खुल के बोलता था, अभी जरूरत नहीं है इसका। मुझे कुत्ता का पूछ सीधा करने का कोई खास इच्छा नहीं है कि विश्व में कौन क्या कैसे षड्यंत्र करके मेरे देश को बर्बाद करना चाहता है, वो चल रहे हैं, चलेंगे, हमें इतना जल्दी कोई नहीं बिगाड़ सकता, उसके लिए इसलिए मैं वरिड नहीं हूं। लेकिन आप जो ये कह रहे हो कि क्यों हुआ, कुंभ में शनि आने से हुआ या सूर्यदेव मकर में आने से हुआ या इनके दशा अंतरदशा ऐसा नॉन सपोर्टिव हुए इसलिए हुआ, या इस समय इंटरनेशनल कम्युनिटी और वर्ल्ड वाला जो नाम लेना नहीं चाहता हूं तो वो उनका षड्यंत्र में हुआ, या राजनीतिक उथल पुथल के कारण हुआ, या शेयर में ऐसा जनरली होता है इसलिए हुआ, तो कई सारे मुद्दे आते हैं। ग्रह गोचर के अनुसार मेरा इतना ही कहना है, जरूर गोच, देखिए सच कहूं अगर मैं बड़ा बड़ा जो मेरे पास पुराने से पुराना और नया से नया जो भी क्लासिकल टेक्स्ट है ना, वहां पर के ये काल सर्प दोष बोल के कहीं है ना, 7.5 बोल के कहीं है, और वहां साफ साफ लिखा गया है कि गोचर का फल आपके जीवन पे 5% से ज्यादा इम्पैक्ट इफेक्ट नहीं डालता। लेकिन आज क्योंकि युग धर्म है और हम लोगों का जीवनचर्या ऐसा हो गया है जिसके लिए ये हमें थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, अदरवाइज सारा हिसाब गणित बड़े बड़े निर्णय ऐसे अप एंड डाउन कुंडली के दशा अंतरदशा कई प्रकार के योगिनी दशा और बिंसोत्तरी दशा ऐसे कई सारे बिंदुओं को देखना पड़ता है तब कहा जाता है। ये केवल 7.5 के कारण ऐसा हो गया, नथिंग। और मकरू वाले ज्यादातर मकरू वाले पैनिक हुए, अरे आप तो बोल रहे थे अच्छा होगा बुरा कैसे होगा, अरे महाराज लो काहे टेंशन आते हो। बार बार बोला मकर वाले माने मकरू लोग टेलर देख लिया, फिर फिल्म का आधा देख लिया, मतलब इंटरवल भी खत्म हो गया है, अभी फिल्म का एंड पार्ट देखना है। मटका वाले कुंभ वाले अभी टेलर देख लिए, अभी फिल्म देखेंगे, ठीक है, अब फिल्म आ रहा है, मूल त्रिकोण में अच्छा अच्छा देंगे, घुड़ा डिम देंगे, ठुल्लू देंगे, दे रहे हैं दे रहे हैं। और जो मछली वाले लोग हैं, मीन वाले हैं, वो लोग अभी जस्ट टेलर देख रहे हैं, फिल्म भी बाकी है, इंटरवल भी बाकी है, ओके। तो इसलिए
मकरू वालों को, वो अदानी का क्या हुआ, आपको काहे टेंशन भाई, हाँ हमारा भी ऐसा होगा, नहीं आपका नहीं होगा, अलग अलग पाया रहता है। और देखो जितना मोटा बांस उतना अंदर पुला पुला रहता है, ठीक है, तो इसलिए मकरू को चिंता नहीं करना। और हाँ ये हमारे उड़िया में है, बिरही माड़ो देखी कोड़ो चेपा, सुने हो नहीं सुने हो, बिरही माने उड़द, उड़द को उसका फल्ली से निकालने के लिए ना पीटना पड़ता है, तो उसको पिटाई होता है, तो कुर्थी, कुर्थी एक दाल है उसी जाती है, आप लोग की तरफ होगा नहीं होगा, नहीं हमारे तरफ होता है कुर्थी, वो क्या होता है चपटा होता है, तो उड़द गोल गोल रहता है, काला काला गोल गोल रहता है, तो उड़द को पिटाई होता है ना, तो डर के मारे वो कुर्थी बोलता है हम पचक जाते हैं यार, काहे मार खाएं, इससे पहले ही हम पचक जाएं, काहे मारो, हम कान पकड़ते हैं थप्पड़ खा लेते हैं, शनि बाबा बचा लेना, एकदम गलती खा, ये नौटंकी है बाप। इसलिए ये केवल गोचर में शनि बाबा को दोष मत दीजिए, मैं इसका मतलब फेवर में नहीं हूं। और फिर से बार बार कह रहा हूं, जितने भी साढ़े साती में आप लोग सोचते हो कि केवल शनि के चलते ही या साढ़े साती के चलते ही हम लोगों का सारा ऐसा ऐसा समस्या हो गया, कोई अदानी नीचे गिर गए, किसी को गोली लग गया हो, उसको मार दिया गया, वो 10-20 लाख तेल का शनि बाबा को अभिषेक किया, और ये 1 करोड़ का सोने का कलश दान कर दिया, और बाकी लोग सारे बोलते हो, यहां से ये सीखना है कि शनि बाबा को चापलूसी प्यार नहीं है, शनि बाबा का एक ही फॉर्मूला है कि आपको खुद को सुधारें और निचले जो भी व्यक्ति हैं उनके साथ चलें। इसके ऊपर जैसे जो लक्ष्मी वाला केस जितने सारे हो ना, धन लक्ष्मी प्रयास करो, ये इसका एक ही सूत्र है, तनिक मैं बोल दे रहा हूं, उसका अलग वीडियो बना दूंगा। जैसे हम लोग घर में कोई मर गया या बच्चा हुआ तो शुद्धि होते हैं, कई सारे लोग बोलते हैं यार घर में बच्चा जन्म होने से भी शुद्धि होना पड़ता है, लो हमारा कल्चर कहां गिरा है। लक्ष्मी माता पवित्र स्थान पे आते हैं और अलक्ष्मी माता अपवित्र स्थान पे आते हैं, और अलक्ष्मी जब आए तो सब लेके भागती है। तो जो लोग रूल ऑफ लक्ष्मी को वायोलेट करते हैं, रूल ऑफ लक्ष्मी क्या है, पवित्रता, शुद्धता, सफाई, स्वच्छता, हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन इज नॉट बिलोंग्स टू लक्ष्मी, उसके नाम पे हम लोग अपवित्र करते हैं, फिनाइल देना, बताओ शौच है या अशौच, पवित्र है या अपवित्र, गोबर और गोमूत्र में लिपाई, बताओ शौच है या अशौच, ये गलती है। कोई मर गया, नहाते धोते बाल काटते हो, अच्छा नाई के पास जाके बाल काटना चाहिए, हमारे धर्म और सनातन पद्धति के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप नाई के पास नहीं जाओगे, स्ट्रीमर लेके काट दिया ओवर, तो आपका जो पैसा वहां शनि के पास जाना चाहिए, नहीं गया, मंगल के पास जाना चाहिए, नहीं गया, धोबी आना चाहिए, घर का कपड़ा साफ करना चाहिए, बोलता धोबी आजकल 10,000 बिल करता है, किसी कोई बच्चा जन्म हो या मर जाए तो शुद्ध के लिए, इससे अच्छा हम लोग का धोबी मशीन है, डाल दिया साफ कर दिया, आपका फ्लो शनि तक नहीं गया, मतलब निचले दर्जे तक नहीं गया, पवित्र नहीं हुआ, पवित्र करने के लिए जो आपका भूमि पवित्र करेगा तो वो कौन करेगा, हमारे उड़िया में बोलते हैं हड़ी हड़िया नहीं करेगा, वो लोग आते हैं गोबर और पानी दे के साफ करके जाते हैं। यानी देखो हमारा भारतीय संस्कृति परंपरा कैसा है कि जिनको आप जनरली नहीं छूने के लिए चाहते हो, मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे गुरु लोग बोलते हैं, इसलिए मुझे नहीं बोलना, फिर ये छू तो छूत का बात बोल रहा है, यहां मैं शनि के स्ट्रक्चर का बात कर रहा हूं कि हमारा एनर्जी का फ्लो वहां तक जाना चाहिए, उन सभी जो धोबी है और नाई है और गौड़ है, हम लोग गौड़ बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो, जो पानी लाके देता है शुद्ध पानी, उसके छूने से वो पानी शुद्ध होता है, इनको और जो हाड़ी आके गोबर पानी देके साफ करेगा, शुद्धि कराएगा, तो ये जितने भी हैं आप उनको छोड़ के चल रहे हो, आप चले गए बेंगलोर बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता मद्रास जर्मन जापान पोलैंड मोलैंड हॉलैंड पोलैंड ऊपर आ गए, इनको छोड़ दिए, ग्रामीण कल्चर को छोड़ दिए, अब शनि बाबा बैलेंस तो कराएगा कैसे करके ना, ठोकेगा ऐसा, बोलेगा कि जाओ इनको इनको पैसा दो, दान दो, दक्षिणा दो, इनका सेवा करो, इनका इनको लेके सारा चीज दो, बैलेंस करा देगा, तो ये असौचता के कारण धन कहानी होता है, ये जनरल बात है। तो मेरे महापंडित लोग, फिर से कह रहा हूं, ओवरहेड होने का कोई विषय नहीं है, ये जो भी मेरे पास आप लोग डाटास भेजे हो,
अगर मेरे को सही डाटा दे देते हो, एकदम राइट डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, कुंडली, हाथ, कपाल, ये सारा अगर लेटेस्ट फोटो उनका कपाल, लेटेस्ट हाथ का रेखा, लेटेस्ट हाथ पैर का, तो कुछ कहा जा सकता है कि शनि ग्रास किया है। क्योंकि पैर का, आप लोग जो, मैं पैर का फोटो मांगता हूं, क्यों मांगता हूं, पैर का कलर से और हाथ में देखना, जब शनि किसी का अगर बहुत परमानेंट हो रहा हो, ग्रास कर रहा हो, उग्र हो रहा हो, तो हाथ के रेखाओं में बहुत सारे ब्लैक लाइंस बनते हैं, ठीक है, कपाल में आ जाता है, उसका चेहरा में आ जाता है, क्या है ना चंद, ये जब जब शनि बाबा अपने महापुराण में बोले हैं कि चंद्रमा के पास आने से चंद्रमा को पीड़ित करते हैं, चंद्रमा को वीक करते हैं, मानसिक दुर्बलता देते हैं, गलत निर्णय करवाते हैं और फिर आदमी को डुबाते हैं। एक बात बताइए, ये व्यक्ति गलत निर्णय किया या इसके ऊपर कोई और हावी होके इनका, इनके बारे में सारा निकाल के इनको डाउन करने के लिए लगा, कोई एक और बड़ा सा खुलताड़ कंपनी, मैं सुना हूं जितना, वो उनको, इनको भंडा फोड़ किया, गलत कर रहे थे, क्या क्या सब इलीगल काम कर रहे थे वगैरह वगैरह। तो राहु मतलब विदेश, राहु मतलब विदेशी लोग, राहु मतलब विधर्मी लोग, राहु मतलब हमारे धर्म से अलग लोग, तो किसे कहेंगे, शनि कहेंगे या राहु कहेंगे, फिर और किसका गोचर का बात करेंगे। और राहु को अभी शनि ऑस्पेक्ट कर रहे हैं, तो राहु पीड़ित चल रहा है, 15 डिग्री का बलाबल के साथ है, तो एग्जैक्ट किसी ग्रह का दोष नहीं देना है, गलत होगा। और कोई भी चीज फलित कभी एक ग्रह नहीं करता, ये मेरा मकसद है इस वीडियो का, कि आप अगर ये बोलते हो कि एग्जैक्टली दोष दे दिया शनि को, कुंभ गोचर हुआ, कुंभ राशि का था और जिसके लिए ऐसा हुआ, नहीं बाबा नहीं, ऐसा नहीं। देखो, राहु और केतु शनि का दो हाथ हैं, या दो नौकर चाकर हैं, या ऐसे समझो दोनों मित्र हैं, या दोनों ऐसे दरबारी हैं, या जो भी समझो, ये समझाने के लिए, दीज आर ऑल स्टोरी। ऐसा नहीं कि चंद्रमा का गुरु था बृहस्पति और उसका बीवी के पास पहुंच गया, ऐसा कर दिया, इसीलिए कर्क चंद्रमा बिलीव नहीं करना चाहिए, ऐसा ऐसा, वो केवल समझाने के लिए, कंसेप्ट को पुराना चाहिए ना समझाने के लिए। ऐसा चंद्रमा सच में वो उतना बड़ा मुन गया था गुरु बृहस्पति के पास, कैसे जाएगा बृहस्पति के बीवी के पास, पगला बिना फालतू का बात है। जैसे दो हाथ है, चंद्रमा अभी 7.5 का फलित को समझिए ना महाराज, बिना समझे एकदम बोल दिया शनि बाबा घुसे मकर में और आपको फाड़ के रख दिए, और तेरी, ऐसा नहीं होता बाप। देखो, मकरू में शनि थे, इस समय मकरू के पंचम हृदय स्थान और एकादश में केतु बाबा, तो जितना मकरू वाले इस समय हृदय प्रेम का स्थान, शिक्षा का स्थान, धर्म का स्थान, और हृदय का स्थान, ऑब्डोमन का स्थान, दे आर अफेक्टेड, उस समय सारा प्रॉब्लम उधर आ रहा था, इसी रिलेटेड आया, प्रेम में धोखा, विवाह विच्छेद, हृदय में प्रचंड पीड़ा। आप बोलोगे इधर शनि बाबा मकरू में है इसलिए हो रहा है, ठेंगा हो रहा है ठेंगा हो रहा है। अच्छा, अब कहां आ गए, 410 एक्सिस में, तो अब जितना मकरू वाले कहां से बुखलाए हुए हैं, 410 एक्सिस में मकलाए हुए, भूमि भवन माता मकान मन सुख, यहां से राहु पीड़ित कर रहा है। और इसका जो सर्किट लाइन देखोगे तो ये बड़ा पेचीदा सर्किट है, ठीक है ना। अच्छा, ये करियर तो चलो कंट्रोल पे था, शनि की दृष्टि में तो कंट्रोल लेवल पे था, मकर में जब चंद्रमा, आपके मकर राशि के ऊपर जब चंद्रमा गोचर कर रहे थे विषयोग बना के, तो ठीक है वो पीड़ित थे, लेकिन पीड़ित किस क्षेत्र में थे, ये जब कॉन्साइड किया था केतु और यहां से जब आपके पूरे ट्रांजिट पीरियड को 7.5 का पूरा ट्रांजिट पीरियड को स्टडी करोगे राहु कति का, जैसे जैसे स्थिति चेंज होता होता गया, ऐसे ऐसे आपका फल में चेंज होते होते गया, 7.5 को ऐसा प्रेडिक्ट होता है, उसको फिर 7.5 के दौरान ग्रहों का स्थिति और आपका कुंडली को रखो, फिर यहां राहु केतु को घुमाओ, जैसे जैसे घूमेंगे, अभी मकरू वाले यहां परेशानी में है ना, जब राहु 3 में आ जाएगा और 9 में केतु आ जाएगा, परेशानी का सिस्टम चेंज हो जाएगा, तब फलित करो ना भाई, तब समझ में आएगा। ऐसे ही यहां पकड़ लो कुंभ राशि का यादानी साहब है, और अभी 4-9 भाग्य के क्षेत्र में केतु, भाग्यहीन, नवम स्थान उत्तम स्थान धर्म बढ़ाना, लेकिन नवम का केतु है और इधर 3 है, फलित यहां से करना है, तो सर्किट को भी देखना है कि सर्किट कहां से जा रहा है, खाली शनि बाबा दे दिए
महान ज्योतिषी लोग हो प्रभु, प्रणाम आपको। 7:30 शनि का 17 तारीख घुसे और 18 तारीख से अदानी बाबा को भिगमंगा बना दिए। ना, ऐसा नहीं, यहां सर्किट को देखना है, करंट कहां से आ रहा है, थर्ड या फोर्थ, अगर मकरू है तो फोर्थ, अगर कुंभ है तो थर्ड, अगर मीन है तो धन स्थान, राहु यहां बैठा, ठीक है, शनि के दृष्टि में गया, तो पहला सर्किट कहां, राहु बैठा मंगल के घर में, मंगल बैठा शुक्र के घर में, शुक्र जाके बैठा शनि के घर में, शनि देख रहा है राहु, मंगल का फ्रंट सर्किट यानी राहु को एनर्जी मंगल से, मंगल को एनर्जी शुक्र से, तो सर्किट यहां गया, मंगल के बाद किसका, शुक्र ऑस्पिट कर रहा है, तो क्या हुआ, एनर्जी आके वहीं खत्म। अब ये फ्रंट सर्किट है, जैसे मदरबोर्ड हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखे हो ना, एक सर्किट जो सामने दिखता है, पलटाओगे तो सर्किट कनेक्शन आएगा, तो सर्किट कनेक्शन ऊपर नक्षत्र में देखो, नवांश में देखो, ऊपर है, तो अभी इसका नक्षत्र को देख लो, फिर शनि का नक्षत्र को देख लो, धनिष्ठा अश्विनी को कवर अप करो, जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक भरणी बाधक, तो ये टेम्पररी इम्पैक्ट है, कोई बहुत बड़ा परमानेंट इम्पैक्ट होके कुछ हिल फुट जाना ऐसा नहीं है। अगर मीन राशि का है तो ये यहां पाप कर्तरी में फंसे हुए हैं, जब भी कोई लग्न राशि पाप कर्तरी में फंसे बंधन योग लगता है, तो क्या बंधन योग माने क्या, सब मीन राशि वाले जेल के अंदर घुसेंगे, कहां इतना जेल में जगह है, ऐसे भी तो ओवरलोड हो चुका है जेल, ओवरलोड है, जहां पर 500 रहना चाहिए 1500 कैदी रहते हैं, मैं जाता था जेल में क्लास लेने के लिए, बहुत सारे जेल में गया हूं क्लास लेने के लिए, कैदियों को स्पेशल सेल में गया हूं, जुबिनाइल जेल में गया हूं, कई छोटे बच्चे का कैदी के जो कैदी तुम कहो जो भी कहना है कहो, उनको बहुत सारा क्लासेस में देता हूं, तो वहां देख के आया हूं, ओवरलोडेड है, जितना ना रहना चाहिए उसे 3 गुना 4 गुना 5 गुना रहते हैं, तो क्या सब मीन वाले घुस जाएंगे, नहीं, जिस मीन राशि का कुंडली में ऐसा दुर्योग बन रहा हो और उसी के ऊपर गोचर सपोर्ट करके बूस्ट कर दिया उनके लिए, तो ये संभावना है, ना बोल के मैं नहीं कह रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं से बंधन योग नहीं हो जाएगा, संभावना है लेकिन कंफर्मेशन नहीं है, उसके लिए अदानी साहब का भी कुंडली अलाउ करना चाहिए, दशा अंतरदशा अलाउ करना चाहिए, तो जब तक सही कुंडली आप भेज दोगे राइट डाटा, फिर मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूं। ये मात्र कथोपकथन है, क्योंकि आप लोग बहुत सारे व्हाट्सएप करके मेरे को प्रश्न पूछने लगे, मैं नहीं बनाना चाहता था, इसके ऊपर नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मैं देखा कि फिर आप लोग बेटा मेरे को छोड़ने वाले नहीं हो और भेजोगे फिर, तो भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा वीडियो नहीं है, ऐसा समझिए, केवल आप सभी महानुभावों को, मेरे मित्रों को, क्योंकि आप मेरा स्टेटमेंट चाहते थे, मेरा विचार चाहते थे, एस्ट्रोलॉजिकल विषय को रखने के लिए बोले थे, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेरा समय का आप लोगों का सेवा में रखा, ये नहीं बनाता तो और फिर बाकी लोगों को ऐसे ढूंढते रहो व्हाट्सएप में और टेलीग्राम में जाके, तो परेशानी से बचने के लिए ये बना के दे दे रहा हूँ, अभी बनाते ही तुरंत आपको मैं ऑप्शन अपलोड कर दूंगा, ताकि आप सारे मेरे प्यारे मित्र लोग जो मेरा विचार सुनना चाहते हो, बहुत प्यार करते हो, मैं समझता हूं, तो आप सबके सेवा में रखा, और फिर से मैं क्रीम ऑफ दिस बियर अदानी साहब का बात कहूं, क्योंकि कोई कंफर्मेशन नहीं है यहां राशि का, तो जो अगर दो राशि को कंफर्मेशन करते हैं तो भी शनि बाबा का 100% दोष नहीं होता है, इसमें बाकी ग्रहों को भी देखना पड़ता है, 7:30 का प्योर इम्पैक्ट से ये नहीं होता, 7:30 का प्योर इम्पैक्ट होने के लिए बाकी ऐसे दुर्योग का आवश्यकता रहता है, तभी ये होता है, नेक्स्ट जन्म कुंडली सपोर्ट करे तभी होगा, नेक्स्ट दशा अंतरदशा भी उस प्रकार के बने तभी होगा, तो मेरा और ये जो भी बंधन वंधन जेल वेल जो भी आप बता रहे हो या सब दिन के लिए डैमेज हो गया, नहीं ये लोग सब दिन के लिए डैमेज नहीं हो सकते, कुंडली में प्रचंड राजयोग लेके बैठे हैं, बलाबल के साथ ये लोग तभी राजमुकुट लगता है, तभी इतने बड़े लेवल पे जाते हैं, और इनका थोड़ा बहुत धूल लग गया तो ऐसे झाड़ उड़ के फिर उड़ जाएंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा कि कल देखोगे कि कटोरा लेके भीख मांग रहा है, ऐसा नहीं है, और ऐसा तभी होगा जब प्रचंड दरिद्र योग कहीं से लगा हुआ हो, तो अभी मेरे पास जो आप लोग इन्फॉर्मेशन दिए हो यहां मुझे नहीं देख रहा है,
और ओरिजिनल जब तक कुंडली नहीं मिले 100% किसी भी बात को प्रेडिक्टेबली ठेपा मार के नीचे साइन मार के स्टाम्प नहीं मार सकते। यही मात्र आपको कहना था। आप लोग पूछे, धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन मैं इस बात को कोई राजनीतिक अभिसंधि रख के नहीं बोल रहा हूँ, इंडिपेंडेंटली बोल रहा हूँ। सामान्य मत मात्र है, इसे अन्यथा ना लें। धन्यवाद, नमस्कार।